नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। मेडिकल कोर्सेज में रिजर्वेशन को लेकर मद्रास हाई कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है। मद्रास हाई कोर्ट ने अखिल भारतीय कोटा के तहत राज्य के योगदान वाली सीटों में मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में 10% आरक्षण की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। दरअसल इसी साल 29 जुलाई को केंद्र सरकार ने मेडिकल एडमिशन के लिए बड़ा फैसला लिया है। पिछले वर्ग के छात्रों के लिए सरकार ने ओबीसी और आर्थिक रूप से आरक्षण को मंजूर कर लिया था। सरकार ने ओबीसी वर्ग में 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला किया। देश भर के मेडिकल संस्थानों में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाली नीट परीक्षा में ओबीसी आरक्षण को लेकर काफी समय से बवाल चल रहा था। मामले ने उस वक्त तूल पकड़ लिया था जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 12 जुलाई को नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नीट 2021 की तारीखों का ऐलान किया। उन्होंने कहा था कि इस बार भी नीट परीक्षा ओबीसी वर्ग को बिना आरक्षण दिए ही होगी। इसके बाद कई छात्र संगठनों ने देशव्यापी हड़ताल की और धमकी भी दी, साथ ही कई राजनीतिक दलों ने भी आरक्षण की मांग की। केंद्र सरकार के इस फैसले से नीट के ओबीसी छात्रों को सीधा फायदा होगा। देश के सभी राज्यों के मेडिकल संस्थानों में साल 1984 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ऑल इंडिया कोटा लागू किया गया। ऑल इंडिया कोटा राज्य के अधीन आने वाले मेडिकल कॉलेज में सीटों का वो हिस्सा है जो राज्य के कॉलेज केंद्र सरकार को देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा था कि सभी राज्य अपने मेडिकल कॉलेज की 15% अंडर ग्रेजुएट सीटें और 50% पोस्ट ग्रेजुएट सीटें केंद्र सरकार को देगी। केंद्र सरकार के हिस्से में आने वाली इन सीटों को ऑल इंडिया कोटा नाम दिया गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।